The BTech Zoom. Today we are discuss about half wave rectifier and full wave rectifier. Before going further, let's talk about rectifier. What is a rectifier and why we used it? Rectifier is an electrical device which is used to convert AC current into DC current. In the forward wise condition, having low resistance to flow the current, and in the reverse wise, having the high resistance, and they cannot flow the current from the diodes. So this is a diagram of half wave rectifier. This is a transformer and connecting with the AC source and primary secondary coil, and this is a diode and load resistance RL, and the current is flowing like clockwise direction. When AC input is connected to the primary coil, this current is induced in the secondary coil due to the mutual induction, and it is a step down transformer because the number of winding in the first coil is larger than the number of winding in secondary coil. So that's why this is a step down transformer. And AC current having the two poles, positive and negative. When the positive pole is in front of the positive end of this diode and negative is in front of negative, so in this case of this diode is working as forward wise. And when the negative pole of the secondary coil is in front of positive end of the diode, and this is performed like a reverse wise. Okay, jab positive end और जो डायोड का जो पॉजिटिव एंड होता है वो एक दूसरे के सामने हो, नेगेटिव नेगेटिव के सामने हो, अगर हमने पी एन जंक्शन डायोड में दिखा होगा तो वो जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड वाइज होता है, उसमें करंट फ्लो होता है, इजिली फ्लो होता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है. और रिवर्स वाइज में जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के सामने हो और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के सामने हो तो वो जो डायोड होता है वो रिवर्स वाइज वर्क करता है और वो करंट इतनी अच्छी तरह फ्लो नहीं करता और सडनली फ्लो करता है जिससे हमारा इक्विपमेंट ब्रेक डाउन हो जाता है. ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है. जब पॉजिटिव पॉजिटिव जो पोल होता है इस इनके सामने होगा तो करंट इस तरह से फ्लो होगा क्योंकि इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, और हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है जो हमने डीसी यूज़र लगा रखा है यहाँ पे तो वो हमारा ग्लो करेगा, चाहे लाइट हो चाहे किसी तरह का कोई इक्विपमेंट है हमने यहाँ एडजस्ट कर रखा है तो वर्क करेगा. और हम इसका एक ग्राफ देख लेते हैं कि किस अकॉर्डिंग एसी से हम डीसी कन्वर्ट कर रहे हैं और तो क्या ग्राफ में चेंजेस आ रही है. ये हमारा एसी इनपुट हो गया, ये हमारा डीसी, ये वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, ये टाइम, ये टाइम. एसी करंट इस तरह से फ्लो करता है, इसका जो वेव होता है लाइक दिस, दिस इज ए क्रस्ट, दिस इज ट्रफ. जब एसी करंट हम इसमें सप्लाई की इस ट्रांसफार्मर में, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बना रहा है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आ रहा है तो ये रिवर्स वाइज, सॉरी ये फॉरवर्ड वाइज हो गया, तो ये हमारा जो डायोड है भी वर्क कर रहा है, और जो हमारा जो एलईडी है या फिर किसी भी डीसी इक्विपमेंट है वो वर्क कर रहा है, तो हमारा ये डीसी करंट इस तरह से यहाँ ग्राफ में शो होगा. और जब पोलरिटी चेंज होती है, जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव में आता है और ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जब कन्वर्ट होता है, तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये रिवर्स वाइज में वर्क करता है, और रिवर्स वाइज की कंडीशन में जो डायोड है तुम्हारा हमारा वर्क नहीं कर पाता, अच्छी तरह से करंट फ्लो नहीं होता है, तो उस कंडीशन में किसी तरह का कोई भी यहाँ डीसी करंट नहीं मिलेगा और ये जीरो ही रहेगा. तो हम इसको सीधा स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे. फिर जब पोलैरिटी चेंज होगी फिर अगेन ये इस तरह से वर्क करेगा. फिर जब ये पोलैरिटी चेंज होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव में आएगी, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के सामने होगी, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के सामने होगी, तो फिर इस तरह से वर्क करेगा और ये इस तरह से ही चलता रहेगा. हमें प्रॉपर डीसी करंट नहीं मिलता है, और जो ये जो इसमें जो फॉल्ट है वो हम
दो डायोड लगा के हम इसे इसको ठीक कर लेते हैं, जिसे हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं, वो हम इसके बाद देखते हैं। इन द फुल वेव रेक्टिफायर दे अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट इनपुट इज सप्लाई टू द ट्रांसफार्मर, द करंट इज फ्लोइंग द प्राइमरी कॉइल एंड द करंट इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, दिस इज ऑल्सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वेन द एसी करंट हैविंग द टू पोलैरिटी चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, द पॉजिटिव टर्मिनल्स कमिंग टुवर्ड्स द पीप एंड ऑफ दिस डायोड एंड द नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, सो इन दिस केस द वर्क इज परफॉर्म लाइक ए फॉरवर्ड बायस एंड द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो अल्टरनेटिव करंट हम पहले यहाँ बना लेते हैं, इसकी वेव ये पॉजिटिव है, इस केस में जब पॉजिटिव है तो इस ए वाइट ये जो हमारा डायोड है, फर्स्ट डायोड हमारा वर्क कर रहा है, सेकेंड डायोड हमारा वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे थे रिवर्स वाइज को फॉलो कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये हमारा डायोड वर्क नहीं करेगा जब ये पॉजिटिव होगा फर्स्ट साइकिल में, और जब और जो हमारा डीसी करंट होगा लाइक दिस होगा, जब दोबारा जो पोलैरिटी चेंज होगी यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाएगा और यह नेगेटिव से जब पॉजिटिव आएगा, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव सामने आएंगे तो ये डायोड हमारा वर्क करेगा और ये डायोड हमारा वर्क नहीं करेगा इस केस में, तो जो जो हमारा ग्राफ मिलेगा इस तरह से मिलेगा, ये नेगेटिव का ग्राफ हो गया, सॉरी नेगेटिव तो अल्टरनेटिव की जो पोलैरिटी है इस अकॉर्डिंग ही है, पर इस कंडीशन में ये दोनों ही पॉजिटिव होंगी इस कंडीशन के लिए, इस फर्स्ट डायोड के लिए। जो सेकंड जो हमारा जो ग्राफ बना डीसी करंट का वो नेगेटिव है, ये रिवर्स वाइज पे वर्क कर रहा, पहला जो हमारा डायोड है वो फॉरवर्ड वाइज है, जब यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो इस तरह का ग्राफ बना, जब यहाँ साइन चेंज होगी यानी ये रिवर्स वाइज में वर्क करने लगा और ये जो हमारा फॉरवर्ड वाइज में वर्क करने लगा, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। फिर जब पोलैरिटी चेंज होगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव सामने होंगे, फिर इस तरह से ग्राफ बनेगा, फिर जब पोलैरिटी चेंज होगी ये ग्राफ इस तरह से डीसी करंट बनता रहेगा। ये एसी वोल्टेज होता है जो हमारा इनपुट है और ये डीसी वोल्टेज होता है, ये टाइम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बस यही एक हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है तो उसमें एक डायोड होता है, डायोड होता है जो कि फॉरवर्ड कंडीशन पे वर्क करता है, फॉरवर्ड वाइज होता है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर है तो उसमें दो डायोड होते हैं जो कि एक डायोड फॉरवर्ड वाइज पे वर्क करता है और एट अ टाइम जिस टाइम पे ये फॉरवर्ड वाइज वर्क कर रहा हो उसी टाइम पे ये जो सेकंड जो डायोड है वो डायोड है वो रिवर्स वाइज पे वर्क कर रहा होगा, और जब साइन चेंज होते हैं पोलैरिटी जब अल्टरनेटिंग करंट की चेंज होती है, तो जो पहले वाला जो जो डायोड था जो रिवर्स वाइज पे वर्क कर रहा था फिर वो पॉजिटिव पे करने लगता है, सॉरी फॉरवर्ड वाइज पे करने लगता है, और जो पहले वाला था वो रिवर्स पे करने लगता है, यानी कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन वर्क करते हैं, वाइस वर्सा होते हैं कि इस कंडीशन पे करंट फ्लो करेगा तो ये नहीं करेगा, जब ये करेगा तो ये नहीं करेगा, ऐसे इस तरह से चलते हैं। सो बस इतना ही था, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।